हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद उपखंड रेवतर बंद के दौरान रैली में उमड़े सैकड़ों लोग बजरंग दल द्वारा रेवतर बंद बुलाया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, रेवतर विधायक जगसीराम कोली से बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह परमार नागाणी ने। जिला अध्यक्ष नारायण जी पुरोहित और रेवतर विधायक जगसीराम जी और विभिन्न संगठन विश्व हिंदू परिषद वगैरह हिंदू संगठन है वो भी आज एसडीएम भवन पे ज्ञापन देने आए। हम पहले जिला अध्यक्ष साहब नारायण जी से बात करें। सर, आपकी क्या संदेश है सरकार को, जो कल उदयपुर में घटना घटी है, जो दिन दाड़े, इसके लिए क्या संदेश देना चाहूँगा सर? कल उदयपुर में जो घटना, निर्मम घटना घटी है, वो तालिबान के शर्म करने की कोशिश घटना हुई है। आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पूरी की पूरी विफल है। और जो तालिबान की घटना है, जिस प्रकार से तीन तीन वीडियो वायरल किए गए, पहले धमकी दी गई, उसके बाद में उसका कत्ल किया गया ऑनलाइन वीडियो पे, और वीडियो में उसके बाद में उसको स्वीकार किया गया, इससे बड़ी कानून की मजाक क्या हो सकती है? अशोक गहलोत सरकार पूरी की पूरी विफल है और इन तुष्टिकरण की नीति के माध्यम से पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया है और पूरे देश के अंदर आज राजस्थान को नीचा देखने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, जनता उनको रोड पर उतर के जवाब देगी और उनको इसको भुगतना पड़ेगा। आगे अगर सरकार ने कोई कानून व्यवस्था नहीं संभाला तो आगे आपका क्या संदेश है? हमने आज जो ये विविध संगठनों के साथ में मिलकर वीएचपी के आह्वान पे सब विविध क्षेत्रों में मिलकर आज जिस प्रकार का जो रोड शो किया है, सड़कों पर उतर के जो ज्ञापन दिया है और जो रैली निकाली है, मार्च निकाला है, इसके ऊपर निरंतर आगे से आगे कार्रवाई बढ़ती जाएगी और इनका जीना दुभर हो जाएगा। तुष्टिकरण की नीति को हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए जिस प्रकार भी आंदोलन की आवश्यकता होगी हम सब मिलकर करेंगे। हमारे साथ विधायक जगसीराम जी कोले भी है। सर, आप संदेश क्या देना चाहोगे? कल की जो उदयपुर वाली घटना, कन्हैया लाल वाली जो हुई है, मुसलमान समाज के गुंडों द्वारा राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आज इस रेवदर क्षेत्र की जनता की ओर से कहना चाहूँगा कि यदि मुख्यमंत्री होश में नहीं आए, आने वाले दिनों में ये कन्हैया लाल, ये पूरा एक देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत, हमारी जो क्षेत्र की जनता हिंदू समाज के अंदर एक आग भभक रही है। यदि मुख्यमंत्री जी संभल नहीं पाए तो सारी जनता जो है रोड पे उतर कर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उनका संदेश है, अगर नहीं हुआ तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं महेंद्र सिंह नागाणी, जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।